नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हुई, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, कौन से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत सारा खुशियां भरा हो, आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छे पैसे कमाएं। अगर आप सीख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से सीखें, बहुत आपकी नॉलेज गेन हो। यही कामना करता हूं भगवान से कि आप सभी लोग सुखी रहें, आपका सेहत, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। चलिए तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो अपनी। तो यहां पर देखिए, फाइनली जो यहां पर हमको जो कैंडल मिली थी, ये जो कैंडल हमारे पास है ये 30 दिसंबर की। तो 30 दिसंबर की अगर कैंडल को हम यहां पर ध्यान से देखेंगे, हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कैंडल है, देखिए ये ज्यादातर ये देखिए हमको सपोर्ट और रजिस्टेंस पर ही देखने को मिलती है। और अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एक रजिस्टेंस है। अब आप पूछेंगे कि ये रजिस्टेंस कहां पर है। तो देखिए, अब ये जो हमने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की हुई है, तो इस ट्रेंड लाइन से देखिए बार बार जो है रजिस्टेंस लेके हर्डल इसके लिए काम कर रहा है, तो बार बार रजिस्टेंस होकर जो है नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए यहां पर जो है रजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया, दूसरी बार फिर यहां पर रजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ आया, और मे बी अब फिर यहां पर जो है रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहां पर जो ये कैंडल बनी हुई है, इसको हम देखिए टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में हम इसको जो है हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। तो फाइनली देखिए, अब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस के बाद जो कल यहां पर डोजी बनी थी, तो देखिए अब यहां पर जब तक डोजी ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होती, या तो यहां पर 31,500 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता, तब तक हम यहां पर जो अभी बुलिश नहीं है। मे बी देखिए हम यहां पर बेयरिश हो सकते हैं 31,000 के लेवल के नीचे। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, वहां पर देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हुई। ध्यान रखिएगा, अभी हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हैं। सो अगर आप यहां पर बाइंग कर रहे हैं या बाइंग की पोजीशन है, तो थोड़ा यहां पर आपको अलर्ट होना पड़ेगा और अलर्ट होकर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मे बी देखिए यहां पर सेलिंग आ सकती है, सेलिंग प्रेशर यहां से आ सकता है, क्योंकि अभी एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास काम कर रहा है। तो देखिए आज जो मूव हुई जो बैंक निफ्टी में, वो समझ लीजिए बिल्कुल समझ लीजिए एक रेंज बाउंड मार्केट थी आज। बिकॉज देखिए ये जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का आज फर्स्ट डे है, सो यहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहां पर एक्टिव नहीं होंगे। बड़े प्लेयर जो थे मेरे हिसाब से आज एक्टिव नहीं थे। अदरवाइज यहां पर अगर बड़े प्लेयर एक्टिव होते तो फिर ये डोजी कैंडल बनने के बाद कुछ अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आज बड़े जो प्लेयर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल FII DII ऐसे कुछ, मतलब जो बड़े बड़े जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, वो आज मार्केट में नहीं थे। सो आज मार्केट में हमको एक साइडवाइज मार्केट देखने को मिली। तो चलिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या कुछ हुआ। तो चलिए फाइनली हम यहां पर हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, और यहां पर हमारे पास 2021 की कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल हमारे पास ये मिली है 2021 की। हमको 15 मिनट की पहली कैंडल ही हमको डोजी मिली है। तो अब देखिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है, वो मैं पहले आप लोगों को ड्रॉ करके यहां पर फाइनली चार्ट में दिखा देता हूं, तब आप लोगों को चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये देखिए यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पर हम बार बार देखिए पीछे भी हम यहां पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आए थे, और कल भी यहां पर हम रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आए थे। और ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, 2 बजे की कैंडल यहां पर बनी थी, यहां से हम रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आए थे। मीन्स हम यहां पर जब जब गए हम टच होकर नीचे की तरफ आए। कल भी मैंने आपको ये एरिया बताया था कि अगर आपको 31,400 के आसपास मिलता है तो आप यहां पर क्लियर कट सेल कर सकते हैं। दूसरा देखिए हमारे पास जो दूसरा एरिया है, सपोर्ट एरिया जिसको हम कहेंगे, वो सपोर्ट एरिया हमारे पास ये 31,000 का लेवल है। तो मे बी अब देखिए, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो मूव आज हुई है, ये हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल देखिए इसने जाके 31,400 को टेस्ट किया, 31,400 के लेवल को टेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आया। तो बाकी उससे पहले मैं चर्चा करूंगा कि यहां पे जो बाउंस बैक हुआ था, क्यों हुआ था। तो ये देखिए जो आज जो मार्केट में मेन बाउंस बैक का जो कारण था, जो मॉर्निंग के टाइम में हमको जो आधे घंटे जो हमको तेजी देखने को मिली थी, तो ये देखिए यहां पर मे बी कल यहां पर जो 3:15 बजे की कैंडल अगर आप यहां पर देख रहे होंगे, तो यहां पर एक डोजी कैंडल है और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास थी, और यहां पर पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहां से बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक कहां तक होगा, 31,400 का लेवल, जो जो हमारे पास पिछला जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, वही लेवल हमारे पास जो है आगे रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। सो यहां पर हमने एक ट्रेड लिया था, और इस ट्रेड में हमने 1:2 बुक किया। उसके बाद हम चले गए निफ्टी में, निफ्टी में भी 1:1 एक ट्रेड बुक किया। उसके बाद 1:1 उसके तीसरे ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, चौथे ट्रेड में 1:1 बुक किया। उसके बाद हमने फाइनली ट्रेडिंग बंद कर दी, बिकॉज आज जो है बड़े मार्केट बड़े लोग जो है ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, सो मार्केट साइडवेज रहने वाली थी, ऐसी ऐसी हमने एक्सपेक्टेशन कर ली थी। तो फाइनली अब देखिए यहां से मार्केट चली है और नीचे की तरफ, फिर अगेन सेम ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो समझ लीजिए यहां पर एक इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए काम किया। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, बस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहां पर मार्केट जो है घूमती रही है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ यहां पर ड्रॉ करूं, तो हमको इस तरह से एक चैनल हमको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर कंटिन्यू एक चैनल में आज काम हुआ है। ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल, और ये अगली 15 मिनट की कैंडल है। इसने पहला जो है अपना रेजिस्टेंस जो है टच किया अपने चैनल का। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 11:45 की, इसने जो है लोअर चैनल टच किया। अगेन जो आप ये देख रहे हैं डोजी कैंडल 12:30 की, इसने अपर चैनल टेस्ट किया। अगेन ये जो आप कैंडल देख रहे हैं हैमर कैंडल, ये 1:30 की है, 1:30 इसने टेस्ट किया, और फाइनली जो है हम इसी चैनल के लोअर पॉइंट पर आके हम क्लोज हो गए। तो मे बी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल एक साइडवेज मार्केट थी, सो हमने इसलिए जो है ट्रेड नहीं किया। स्टार्टिंग में मतलब हमको 1:2 एक प्रॉफिट मिल गया था बैंक निफ्टी में, उसके बाद हम निफ्टी में गए, वहां पर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ और दो ट्रेड में प्रॉफिट मिले। तो फाइनली मतलब दिन अच्छा रहा, कोई बात नहीं, पैसे अच्छे बने, जो भी बने मतलब सेलिब्रेशन करने के लिए अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि हम यहां पर मंडे की मार्केट किस तरह से हो सकती है और हम किस तरह से यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब यहां पर देखिए जो सपोर्ट लेवल यहां पर सेंटर का निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट लेवल ये है, ठीक है। अब ये लेवल अगर कल ब्रेक होता है, मंडे के सेशन में ब्रेक होता है, तो हम यहां पर 31,000 का लेवल बिल्कुल क्लियर कट यहां पर देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मार्केट में मैं आपको तीन सिनेरियो बता देता हूं, जो यहां पर देखिए गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और यहां पर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो मे बी अब देखिए आपको क्या करना है, अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद देखिए मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक के साथ बताऊंगा। यहां पर देखिए मान लीजिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मे बी यहां पर कुछ सस्टेन करने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, ठीक है। दूसरे केस में देखिए क्या हो सकता है फ्लैट ओपनिंग में, तो फ्लैट ओपनिंग में मैं अब जो है दूसरे केस आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरे केस में हम यहां पर किस तरह से सिनेरियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं और दूसरा सिनेरियो बताता हूं कि फ्लैट में हम किस तरह से देखेंगे। दूसरे सिनेरियो में हम इस तरह से देख सकते हैं, देखिए इस यहां पर फ्लैट ओपनिंग के बाद मे बी शायद ये जाके 31,500 का लेवल यहां पर टेस्ट कर दे। तो ये था हमारा दूसरा सिनेरियो। अब हम बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग की। तो देखिए मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूं कि मंडे के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं। सो हमारे पास जो ऊपर का लेवल है वो हमारे पास 31,500 का लेवल है। ये जो लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है देखिए मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, तो ये 31,500 का लेवल है। यहां पर मार्केट आपको जब भी मिले तो यहां पर आपने सेलिंग करनी है। तो अब देखिए अब मान लीजिए यहां पर फ्लैट ओपनिंग नहीं होती, यहां पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है 31,500 लेवल के आसपास। तो 31,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस एरिया है, पहला टॉप बना है, दूसरा टॉप यहां पर बन सकता है। सो यहां पर 31,500 का लेवल जो है क्लियर कट सेल का एरिया है, ध्यान से सुन लीजिए, 31,500 का लेवल जो है ये बिल्कुल क्लियर कट सेल का एरिया है। और यहां पर जब भी हमको मार्केट मिलेगी तो मैं तो यहां पर सेल करूंगा 31,500 का, मैं क्लियर कट यहां पर सेल करने वाला हूं। दूसरा देखिए हमारे पास कौन सा लेवल है, अब ये अभी देखिए हमारे पास जो बीच में जो रेंज है वो ये रेंज निकल के आ रही है, ये पूरा पॉइंट देखिए मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये जो पूरा पॉइंट है हमारे पास, ये पूरा पॉइंट, ये रेंज हमारे पास है इस टाइम, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और आपको मार्केट 31,500 का मिलती है तो यहां पर आप सेल करिए, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है और 31,000 के लेवल के पास मिलता है तो आप बाइंग करिए। अब देखिए मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग बता दिया है और आपको मैंने गैप अप ओपनिंग बता दिया कि गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको 31,500 के लेवल पर सेल करना है। अब यहां पर देखिए मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और गैप डाउन ओपनिंग के पास आपको जो है मार्केट यहां कहीं आपको मिलता है 31,000 के लेवल के आसपास, तो ये हमारा एक बाइंग एरिया होगा। मे बी यहां से बाउंस बैक अगेन हो सकता है, यहां से देखिए इसको टेस्ट करने के बाद 31,000 लेवल को टेस्ट करने के बाद 31,200, फिर इसके 31,400, फिर 31,500, तो ये हमारे जो है ऊपर की तरफ के टारगेट होंगे। मे बी देखिए मार्केट में जो है एक मंदी आ सकती है, ऐसे देख कुछ आसार इस तरह से लग रहे हैं। बाकी मैं आपको एक कंफर्मेशन अगर मैं आपको और बताऊं तो देखिए मैं दूसरी कंफर्मेशन देखिए मैं आपको वनडे का चार्ट लगाने जा रहा हूं और यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर मार्केट जो है कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, बट देखिए अगर हम यहां पर नीचे की तरफ आरएसआई को अगर देखेंगे तो आरएसआई देखिए यहां पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, आरएसआई एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है और मार्केट में हम यहां पर मंदी देख सकते हैं। मे बी देखिए कहां तक देख सकते हैं, 29,000 के लेवल तक हम मंदी देख सकते हैं, मार्केट यहां से टूट कर 29,000 के लेवल तक आ सकती है। मे बी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि यहां पर 29,000 आ सकती है, अगर मैंने कह दिया तो ऐसा नहीं कि आएगी ही आएगी, मैं कोई गॉड नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, यहां पर कोई परफेक्ट नहीं होता, यहां पर हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं। सो यहां पर जो आरएसआई ने हमको यहां पर इंडिकेट किया है कि यहां पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, सो उसके बिहाफ पे मैं यहां पर बता रहा हूं कि मार्केट को हम यहां पर 29,000 के लेवल के आसपास देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 29,000 का लेवल ही इसके लिए जो अगला सपोर्ट का काम करेगा। देखिए ये 29,000 के लेवल से पिछली बार बाउंस बैक हुआ था और मे बी जब ये लेवल 31,000 का लेवल ब्रेक होगा तो हम यहां पर 2,000 पॉइंट की जो मंदी देखेंगे ये हमको बहुत फास्ट मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा 31,000 के नीचे हम बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और इसका पूरा फायदा भी उठाइएगा। चलिए अब चलते हैं, हम बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला स्टॉक्स है हमारा देखिए
एशियन पेंट का। तो एशियन पेंट ने भी देखिए ये फाइनली जो है किस रेंज में ब्रेक काम कर रहा था। पहले मैं इसको फिर चार्ट में सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए मैं वनडे का, मैं यहाँ पर चार्ट मैंने लगा लिया है। तो चलिए वनडे का चार्ट मैंने लगा लिया। एक्सिस बैंक देखिए अब अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। मे बी देखिए अगर ये 615 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हम यहाँ पर 600 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए फाइनली अब इसके लिए जो सपोर्ट है वो 395 के आसपास का ही सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे, एक मिनट पहले मैं इसको सपोर्ट में प्रॉपर सेट कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ था तो पहली बार रिटेस्ट होने के लिए 395 के लेवल पर ही आया था। अब देखिए यहां से अब जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो यहां पर सपोर्ट ले रहा है। मे बी देखिए ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। और अगर मैं देखिए मैं सिनेरियो के बता रहा हूँ, 395 का लेवल ब्रेक होगा तब भी हम सेल के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि मंडे को मार्केट खुली और हमने सीधा सेल कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर देखिए हमको बाइंग कब करना है, तो बाइंग के लिए मैं आपको चीज बता देता हूँ। बाइंग के लिए ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अभी हम बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखेंगे, यहां पर हम बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। यहां पर 395 का लेवल ब्रेक होगा तो हम नीचे की तरफ सेल के लिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक देखिए बिल्कुल अपने हर्डल पे खड़ा है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। यहां पे फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप और ये मे बी ये थर्ड टॉप बन चुका है। और शायद कल मंडे के सेशन में अगर ये 1415 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर 1400 का टारगेट आता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये जो नीचे से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मे बी सपोर्ट ले सकता है। और बात करूं मैं यहां से तो यहां पर भी एक चैनल के रूप में इस तरह से देखिए फॉर्म हो रहा है। तो अब देखिए अभी तो ऊपर का चैनल टेस्ट नहीं हुआ है, बट मे बी देखिए थोड़ा सा 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर नीचे का फर्क चलता है। सो यहां पर देखिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है 525 का तो हम यहां पर 520 और 515 का लेवल यहां पर देख सकते हैं। तो इंटरनेट में ध्यान रखिएगा, अगर 525 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 520 और 515 के लिए आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक को देखिए अब यहां पर बाइंग करना है सिर्फ किसके ऊपर, 920 रुपए के ऊपर। जब ये 920 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी हम यहां पर जो है बाइंग करेंगे, अदरवाइज अभी हम इसको बाइंग के लिए यहां पर नहीं देखेंगे। अदरवाइज देखिए अब ये अगर 875 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक, सॉरी 890 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहां पर 875 के टारगेट के लिए आ सकते हैं। मे बी शायद इस बार ये रेड कलर वाली ट्रेंड लाइन टेस्ट करने आ सकता है, और अगर रेड कलर की ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगा तो उसके बाद ये ब्लैक कलर वाली ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहां पर नजर बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने भी देखिए यहां पर कंटिन्यू एक चैनल के रूप में ही, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें इसको इस तरह से हम ले लेते हैं तो यहां पर देखिए एक हमको यहां पर भी चैनल ही मिल रहा है। मोस्टली हमको बैंकिंग स्टॉक्स में जो है चैनल देखने को मिल रहे हैं, तो बैंकिंग स्टॉक में नजर बना के रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोटक बैंक में जो है यहां पर कोई मेरे को ज्यादा मंदी दिख नहीं रही है, क्योंकि मैं स्टॉक मेरे को वीक नहीं दिख रहा है। देखिए कोटक बैंक का स्टॉक कब वीक होगा, जब ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। ये जो नीचे से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई ब्लैक कलर की, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी 1950 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तब हम यहां पर सेलिंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज अभी हम इसको ना बाइंग करेंगे ना सेल करेंगे, इसको हम कंटिन्यू वॉच करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक में अभी मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आज एक ऐसा स्टॉक था जिसने एक अच्छी परफॉर्मेंस की है, मींस मतलब ऊपर की तरफ। तो आप देखिए यहां पर जो यहां पर पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत जबरदस्त पैटर्न, इस तरह के पैटर्न होते हैं। अब यहां पर देखिए अब ये पिछले अपने हाई के आसपास यहां पर आ चुका है। तो इसका पिछला हाई जो लगा हुआ है नियर अबाउट 280 के आसपास का था, 279 का था। तो फाइनली आज इसने 279 को क्रॉस करके हाई जो लगाया है वो 280 का लगाया है। अब देखिए इसको आप सेल के लिए बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने में चार्ट इसका अच्छा लग रहा है। तो 280 के ऊपर अगर निकलता है, 5 मिनट की कैंडल को क्लोज कर देता है, तो आप यहां पर 285 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं इंट्राडे के लिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सेकंड देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप वहां से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं कंटिन्यू आप लोगों को इंट्राडे में बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो है चार्ट अपडेट करते रहता हूं, वहां पर सारे लेवल्स आपको अपडेट करते रहता हूं, और वीकेंड पे आप लोगों को मैं वहां पर पोजिशनल स्टॉक में बताते रहता हूं। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर।